हर साल 14 जून यानी कि आज ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, क्योंकि हम अवेयरनेस ला सके कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ब्लड डोनेशन से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्लड डोनेशन दूसरों के लिए तो अच्छा है, पर ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। पहला, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखता है, क्योंकि जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं हमारे ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है और ब्लड पतला होता है, जिससे हार्ट को ब्लड को पंप करने में मदद मिलती है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें 88% कम चांस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, एंजाइना का, स्ट्रोक का। तो ब्लड डोनेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी है। दूसरा है, ब्लड डोनेशन हमारी बॉडी में से आयन के लोड को कम करता है। अगर आयन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हार्ट डिजीज़ को कोज करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट खाते हैं, उन्हें आयन लोड बहुत ज़्यादा होता है और हार्ट डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ब्लड डोनेशन एकमात्र और सबसे अच्छा सोर्स है आयन के लोड को कम करने का। तीसरा है लिपिड प्रोफाइल। ब्लड डोनेशन से लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहता है, वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और वीएलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है, जिससे बॉडी हेल्दी रहती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको डिजीज़ से जो मोर्टालिटी होती है वो कम होती है और मोर्टालिटी रेट को रेशियो है वो कम होता है। पाँचवा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनसे उनको खुशी मिलती है, वो एक अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस कम होता है, नेगेटिविटी कम होती है और वो इमोशनली कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन ना तो सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है पर वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो जो लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं उन्हें ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए।